हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 टीवीएस रेडा 125 स्टैंडर्ड एडिशन विथ ब्लूटूथ एडिशन। प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या चेंजेस, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को वीडियो के एंड तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए ज्यादा सही हो सकता है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को चेंज के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो वो है इसकी कलर में। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन में जाते हैं तो आपको चार कलर देखने में मिल जाती है, ये जो ब्लू देख रहे हैं, देन ब्लैक, रेड और फिर येलो कलर देखने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ एडिशन में आते हैं, सिर्फ दो ही कलर देखने में मिलती है, ये जो विकेट ब्लैक देख रहे हैं और आपको फेरी येलो कलर ही देखने में मिलती है। रेड और ब्लू कलर आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ एडिशन में देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो वो भी जाना जरूरी है, क्योंकि दोनों में आप लोगों को करीबन 11,000 रुपए तक की डिफरेंस देखने को मिलती है, जो कि इसकी सेकंड डिफरेंस में बता सकता हूं। अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन में आते हैं तो यहां पर आप लोगों को करीबन 1,13,500 से 14,000 रुपीज तक पे करना होता है। लेकिन अगर आप यहां पर आते हैं ब्लूटूथ एडिशन में, तो करीबन आप लोगों को यहां पर 1,25,000 तक पे करना हो रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं 10 से 11,000 रुपए तक दोनों में डिफरेंस है। और चलिए अब इसकी जो मेन डिफरेंस है, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल और स्टैंडर्ड मीटर कंसोल, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया की पहली 125 सीसी की बाइक है, जहां पर आप लोगों को मतलब इको और पावर मोड देखने को मिल रही है। अब अगर यहां पर आप देख रहे हैं पावर मोड में है, अगर आप इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए ये पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कलर जो चेंज होती है ये भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल लगती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप चीज़ें बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए डेडिकेटेड मेनू का बटन दिया हुआ है। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप अभी देखिए ये ट्रिप ए दिखा रही है, देन आप लोगों को यहाँ पर देखिए अभी एवरेज स्पीड बता रही है, देन यहाँ पर आप लोगों को ये टॉप स्पीड बता रही है, देन अगेन एवरेज स्पीड बता रही है। लेकिन अगर आपको ट्रिप वगैरह अगर चेंज करना है तो मेनू का ये जो बटन है आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। ये देखिए लॉन्ग प्रेस जैसे कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आ चुकी है ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन कितना किलोमीटर जाएगी और एवरेज माइलेज कितना है वो यहाँ पर आपको दिखा रही है। इसके अलावा इको मोड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका ये टैको वगैरह आप लोगों को दिखा देती है, स्पीडो आपको दिखा रही है और ओडो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो मोड है वो चेंज करके बताना चाहूँगा। इको से पावर मोड में चलते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये पावर मोड में आ रहे हैं तो पूरी तरीके से ये एक ब्राउन कलर की बन जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टैको वगैरह सेम ही है, यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो आप लोगों को सेम ही देखने में मिलती है। हाँ, यहाँ पर आप लोग अगर ब्लूटूथ से अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्मार्ट कनेक्ट ऐप का ये जो स्टिकरिंग है कंपनी ने यहाँ पर करी हुई है। अगर आप अपने फ़ोन में अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके अगर ब्लूटूथ के सहारे इस कंसोल को जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, फ़ोन की जो मैसेज कॉल अलर्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई कॉल कर रहा है तो वो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगी। कभी भगवान ना करे अगर गाड़ी क्रैश करती है तो 90 सेकंड्स के अंदर आपने जो भी इमरजेंसी नंबर सेट कर रखा होगा आपकी लोकेशन वो तीन कॉन्टैक्ट्स को भेज दी जाती है, भगवान ना करे कैसा हो। लेकिन ये सुविधा भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। उसके अलावा आप लोगों को जो स्पोर्ट्स अलर्ट वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। फ़ोन की बैटरी की स्टेटस, फ़ोन की नेटवर्क स्टेटस, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर कंसोल को आप ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो यहाँ पर है उसको अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप के थ्रू मोबाइल के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये तो फ्रेंड्स मतलब इसकी जो ये ब्लूटूथ वाली एडिशन हो गई, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल गई। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली एडिशन या स्टैंडर्ड एडिशन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर इसको ऑफ करके ऑन करी जाए फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत है पूरा। एक बार ये स्वाइप लेती है, टैको आपको दिखता है, गियर पोजीशन सेंसर आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, बाकी गियर पोजीशन सेंसर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर नहीं है, गियर पोजीशन सेंसर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो टाइम वगैरह दिख रही है, देन इकोन पावर मोड यहाँ पर भी है, देखिए बटन यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई मेनू का डेडिकेटेड बटन यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को वॉइस असिस्ट भी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ एनेबल अगर आप जोड़ते हैं कंसोल को तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आप इसके लिए एक आई बटन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया जो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्पीड है वो दिख रही है, ओडोमीटर आपको दिख रहा है, देन ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाती है। हाँ, अगर आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोड सेलेक्ट का दो बटन यहाँ पर दिया गया, अगर आप मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये ट्रिप ए ट्रिप बी, देन यहाँ पर रेंज दिखा रही है, देन एवरेज दिखा रही है, बिल्कुल सेम ही है जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल में देखा था। बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर देखने में नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, बाकी हाँ ये TFT भी नहीं है। तो ये मैंने आपको जो मेन डिफरेंस था फ्रेंड दोनों बाइकों में कलर, प्राइस और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल की, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि दोनों में आप लोगों को सिमिलैरिटीज क्या क्या देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए दोनों में कोई मतलब चेंज यहाँ पर नहीं है, दोनों में ही ये मक्खी जैसा लुक वाला आप लोग को यहाँ पर ये जो मतलब हेडलैम्प है वो आप लोगों को देखने में मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को ये 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो देखने में मिल रही है। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कंपनी मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करती है कंपनी, इसको SBT कहती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है हल्की सी, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके ब्रेकिंग के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में ही आप लोगों को ये फ्रंट में
240 mm की ये जो आप देख सकते हैं पेटल डिस्क है, ये देखने मिल जाती है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक चेंज आपको और देखने को मिलेगी, ये अगर आप ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ ये मतलब डिस्क वाले एडिशन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल एडिशन में अगर आप आते हैं स्टैंडर्ड में तो आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक भी सामने में देखने में मिल जाएगी। अब सस्पेंशन अगर आप देखते हैं दोनों में टेलीस्कोपिक फोक है। इंजन में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc 3-valve एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। अब एयर कूल तो ठीक है, ऑयल कूल कहाँ है ये आप देख सकते हैं, ऑयल कूलिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम है, कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा पावर फिगर्स के बारे में बात किया जाए वहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है, 11.3 PS की मैक्स पावर और 11.2 Nm की मैक्स टॉर्क आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल रही है, यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने में नहीं मिलेगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर सेक्शन के बारे में बताऊँ तो चलिए सबसे पहले इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो फ्रेंड्स एग्जॉस्ट आप लोगों ने सुन लिया। इंजन की एक और खासियत जो है मैं आप लोगों को बता दूं वो है इसकी, आप देख सकते हैं TVS इंटेलिगो सिस्टम। काफ़ी वक्त ये होता है फ्रेंड्स कि आप ट्रैफिक पर खड़े हैं तब बाइक की अगर इंजन ऑन रह जाती है तो बहुत ज़्यादा माइलेज वहाँ पर गिर जाती है। इसको टैकल करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर TVS इंटेलिगो सिस्टम निकाला है। 5 से 10 सेकंड अगर ट्रैफिक पर आप खड़े हैं, इंजन अगर ऑन है तो अपने आप को शट डाउन कर लेती है, और अगर आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो करना क्या है, जस्ट एक क्लच को हल्का सा पकड़िए और यहाँ पर हल्का सा रेव दीजिए, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। कितना रेव देना है वो भी प्रिसाइज 60° एंगल तक करीबन अगर आप रेव करते हैं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को रियर सेक्शन बताऊं फ्रेंड्स तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, कोई चीज़ नहीं है। आप टेल लैंप देख सकते हैं, LED टेल लैंप दोनों में ही सेम है। अगर आप टायर देखते हैं तो 100mm/90 के दोनों में आप लोगों को टायर भी देखने में मिल जाती है, दोनों ही रेमोरा की, इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। 130mm की जो ड्रम ब्रेक है वो भी देखने में मिलती है, वहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है। और ये जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं मोनोशॉक सस्पेंशन, ये भी आप लोगों को दोनों में ही 5-स्टेप एडजस्टेबल देखने में मिल जाती है, यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं दोनों में ही बल्ब की मिलती है, इससे भी कोई चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो ये फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात हो चुका है, फीचर मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को डायमेंशन बताऊँ तो सीट हाइट अगर आप देखते हैं 780mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट देखने को मिलती है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, वो भी दोनों बाइकों में सेम है। टैंक अगर आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को फाइबर की देखने में मिलती है, लेकिन अंदर जहाँ पर एक्चुअल फ्यूल स्टोर होती है वो आप लोगों को मतलब मैं करना चाहूँगा कि वो मेटल की ही मिलती है, और 10 लीटर की वो आपको देखने में मिल जाती है। बाकी अगर आप फाइबर की क्वालिटी वगैरह देखते हैं ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक और चीज़ जो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगी वो है इसकी, ये आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दोनों ही बाइकों में मिल रही है। माइलेज अगर आप देखते हैं फिर 55-60 km मिल सकती है इसमें, अगर आप सही ठीक ठाक अगर आप स्पीड में चलाते हैं तो। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप बेसिस मॉडल के ओनर रह चुके हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइकों में आप देख सकते हैं 180mm की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अगर वेट के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स वो भी दोनों में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, आपको दोनों में ही 123 kg की जो कर्व वेट है वो देखने में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बता दिया। हैंडल बार के बारे में अगर बताया जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर ये आई बटन और ये मेनू बटन के अलावा आप लोगों को दोनों में और कोई चेंज नहीं दिखेगी। पास लाइट का स्विच, हाइबीम लोबीम का स्विच, चैनल इंडिकेटर्स का स्विच और नीचे हॉर्न, और राइट साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को इको और जो पावर मोड उसका स्विच मिल रहा है, ये भी मैंने आपको बताया कि दोनों ही बाइकों में आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों बाइकों में आप लोगों को क्या चीज़ें सिमिलर और क्या चीज़ें आप लोगों को डिफरेंस देखने में मिल रही है। अब ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि दोनों में ही आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये आप लोग 1,14,000 तक खरीद रहे हैं, ये आप लोग 1,25,000 तक खरीद रहे हैं, 10 से 11,000 रुपये तक की डिफरेंस है। अब इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या देखने में मिल रही है, यहाँ पर अगर आप आते तो सिर्फ ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल देखने को मिल रही है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन अगर आप कहेंगे, या फिर अगर आप मतलब फोन की बैटरी स्टेटस, फोन की सिग्नल स्टेटस वगैरह अगर आप चेक करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कॉल SMS अलर्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ है सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा देखने में मिल रही है, इसके अलावा दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप मतलब एवरीडे राइड करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से ये 1,14,000-15,000 में ये जो बाइक है स्टैंडर्ड एडिशन ये आपको एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप थोड़े नए नए रास्तों पर जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन इस्तेमाल करने की जरूरत होती है तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ब्लूटूथ एडिशन 1,25,000 तक में जो मिल रही है ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। आप लोगों को ज्यादा कौन सा बेहतर लगा, वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को ज्यादा कौन सा लगा, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।